Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are all fine. Now I am your teacher, Ms. Sumaira, class 1. Today I am giving you a review of maths, subject of maths. Dear students, आप लोग जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए इसलिए आप लोगों को ये वीडियो अपलोड की जा रही है. पहली वीडियो हमारी किस लैंग्वेज की थी, आई होप वो आप लोगों ने देखी होगी. सेकेंड अब आपको की जा रही है मैथ्स की. स्टूडेंट, मैथ्स सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा क्लास 1 में, जो मतलब हमारा फाइनल सिलेबस आप लोगों को जा चुका है. थोड़ी सी प्रैक्टिस मिसने वाइट बोर्ड पर आपके लिए यहाँ पे कुछ दी है, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी. ओके स्टूडेंट, देखो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी, वो एक्सरसाइज कौन सी थी, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ. देखिएगा यहाँ पर व्हाट कम्स, कम्स का मतलब होता है मतलब क्या आना है, व्हाट कम्स नंबर, कौन कौन से नंबर है. यहाँ पर टीचर ने आपको तीन मेंशन की हुई, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, इससे पहले कोई नंबर नहीं है, बिफोर मीन्स पहले. सेकेंड इज आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, जो नंबर हम आफ्टर में लिखते हैं. एंड बिटवीन, बिटवीन मीन्स वो नंबर जो सेंटर में दो नंबर के बीच में आता है, उसको हम कहते हैं इन बिटवीन, राइट. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आप लोगों की, आप लोग उसको कीजिएगा अपने. यहाँ पे टीचर आपको समझा रही है, बिफोर में देखें कौन सा नंबर सबसे पहले टीचर ने लिया, 11. यस, 11. सो व्हाट नंबर कम बिफोर 11? 11 से पहले कौन सा नंबर आया, जल्दी से मुझे बताएं, कौन बताएगा मुझे. चले हम काउंटिंग को थोड़ा सा रीड कर लेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद आ रहा है 11, लेकिन हमें बिफोर में लिखना है. सो वी राइट 10 बिफोर 11, ठीक है ना. ये आपका नंबर आ गया, ठीक है. अब हम सेकंड, उसी का सेकंड करते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है इन 17. 17 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, वही तरीका मैंने आपको बताया. आप काउंटिंग को दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है ना. जब आप काउंटिंग रिवाइज करेंगे, जैसे आप 14, देन 15, 16, यस, बिफोर 17, व्हाट नंबर इज का 16. सो आपने जल्दी से लिख दिया कि टीचर यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है ना. अब सेकेंड हमारा कौन सा है, आफ्टर. आफ्टर तो मैंने आपको बताया है, वो नंबर जो बाद में आ रहा है. वही मेथड है, काउंटिंग को आप बार बार रिवाइज कीजिए, आपका नंबर खुद आ जाएगा. 15 के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है, वो है हमारा यहाँ पर 16. 15, देन आफ्टर का 16. 20, व्हाट नंबर इज कम इन आफ्टर, 21. गुड, वेरी गुड. इसी तरीके से आप लोग करते रहेंगे सॉल्व. इन बिटवीन, दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 13 और 14 के. थोड़ा सा मैं इसको पहले से लास्ट का नंबर पढ़ के आपको बता देती हूँ, 10, 11. ओके डियर स्टूडेंट, अब बिटवीन के नंबर में आपको बता रही हूँ, 13 के बीच में और 15, यानी दो नंबर इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, यस 14. 13, 14, 15. सेकेंड इसका क्या दिया टीचर ने, 23. इन 23 और 25 बिटवीन नंबर कौन सा आ रहा है हमारा, 24. ओके स्टूडेंट, ये हमारा व्हाट टर्म्स का आपको मैंने तीनों का मैंने आपको ब्रीफिंग दे दी है, ठीक है. ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम लोग उस पर आ रहे हैं, हम आ रहे हैं. ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको सेकंड प्रैक्टिस की स्लिप बता रही हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड बिगेस्ट नंबर्स. जैसे कि पता चल रहा है वर्ड से, स्मॉल कहते हैं छोटे नंबर. ओके नाउ टीचर आपको सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर्स के बारे में बताएंगे. टीचर ने देखें आपको दो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, ए एंड बी. अब ये ए के नंबर जा रहे हैं, जिसमें से हमें क्या करना है, पुट द सर्कल, या आप सर्कल करेंगे उसको ढूंढ के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. आपको काउंटिंग आती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देखा 14, देन 18, देन 19. अब आप यस, आप लोगों ने सोचा नो, टीचर ने तो बताया था कि 19 जो है वो और 18 जो है वो बिगेस्ट नंबर्स में जा रहे हैं, लेकिन हमें फॉर्म बैकवर्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा छोटा नंबर आ रहा है, नाउ वी पुट द सर्कल इन 14, यानी ए वाले ऑप्शन में हमारे पास नंबर कौन सा है, 14 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. इसी तरीके से हम बी वाले ऑप्शन में अपने देखेंगे कि हमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लग रहा है, 26, 27, 28. ये तो बिल्कुल मैंने तरतीब से आपको नंबर लिख के दिए ताकि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी ना हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए. तो इसमें भी आपका नंबर यहाँ पर कौन सा आ रहा है, 26 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट. स्टार्ट नाउ द बिगेस्ट नंबर. यहाँ पे भी टीचर ने आपको दो ऑप्शन में दिए हुए, ए और बी के बना के, 50, 50, 49, 48. यस, कौन मुझे बताएगा, जल्दी से बताएं. यस, आपने देखा 50 इज द बिगेस्ट नंबर, 49 एंड 48. तो फोर पर फिगर में ये दोनों तो छोटे हैं, तो इसका हमारे पास सबसे जो हाईएस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर है इस ए में, वो है 50. देन सेकेंड बी में देखिए आप, 70, 70. फिर ऑनवर्ड्स हम जा रहे हैं, 73, 75.
Yes, 70 and 73 से बड़ा नंबर है 75, so आपने इसके अंदर सर्कल कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रैक्टिस की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको मैथ्स की मेन थर्ड प्रैक्टिस जो करवा रही हूँ वो है हमारा क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, नाउ द मेन साइन इन मैथ्स। मैथ्स में जब भी हम कोई सम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले उनके साइंस को देखना होता है। साइन कहते हैं निशान को, ठीक है, जैसे होते हैं ना। नाउ दिस इज द साइन ऑफ प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई। नाउ दीज आर द मेन साइन। इन साइन को देखते हुए टीचर आपको प्रैक्टिस कराती थी क्लास में कि भाई कौन सा सम है, आपने अच्छे तरीके से देखे फिर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको टीचर बता रही है सम्स ऑफ एडिशन। देखिए यहाँ पे टीचर ने सबसे पहले आपको साइन यहाँ पे शो किया है प्लस का, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेकिंग 10। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ, नाउ इन दिस एक्सरसाइज द नंबर आर डिफरेंट, द नंबर्स आर डिफरेंट बट द आंसर इज सेम। अब आप देखेंगे वो किस तरीके से आंसर सेम आएगा। अक्सर आपको क्लास में पूछते हैं ना टीचर, देखिए इसका भी आंसर एक जैसा आ रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मैं आप लोगों को इसी तरीके से बताती हूँ। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे टीचर ने आपको प्रैक्टिस के लिए सबसे कौन सा दिया है, 6 + 4 = 2। अब आपको देखना है क्या है कि हमारा आंसर क्या है। सो टीचर ने आपके ईजी होने आपको थोड़ा सा आपके लिए आसानी के लिए लाइन्स ड्रॉ कर दी। आप इस तरीके से काम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब सेकेंड नंबर है 4, 1, 2, 3, 4 ऑल टुगेदर काम कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो द आंसर इज 10। सेकेंड देखिए आप यहाँ पे क्या नंबर है, मेरे पास 5, साइन है प्लस का, तो हमें क्या करना है 5 + 5 लाइन्स टीचर ने ड्रॉ की है। आप इस तरीके से पेंसिल से इसको प्रैक्टिस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 देन अगेन 5 है तो आप इसको कंटिन्यू किस तरीके से कर देंगे 6, 7, 8, 9, 10। आंसर इज 10। मैंने आपको बताया ना नंबर आर डिफरेंट बट द आंसर इज सेम। सेकेंड मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा दो मेथड से मैंने आपको दिए हैं, एक मैंने आपको दिया है वर्टिकली और एक मैं आपको दे रही हूँ हॉरिजॉन्टली, ताकि आपको दोनों मेथड से समझ करने आ जाए। नीचे आ रही है सबसे पहले आपने साइन को देखना है प्लस का है, उसको हम किस तरीके से प्लस करेंगे, पहला नंबर है 7, सेकेंड नंबर है 3, सो वी राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देन 8, 9, 10। अगेन आंसर हमारा 10 आ गया क्योंकि हमें मेकिंग 10 से ही आंसर लेना है, डिफरेंट नंबर है, सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ कि सिंपल सा आंसर हमारा क्या है। अब 8 है और यहाँ पे 2 है, इसको आप खुद अपना प्रैक्टिस करेंगे। अब टीचर आपको लाइन ड्रॉ वैसे नहीं करके दे रही है, 8 + 2 फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 एप्पल्स हैं और मम्मा ने आपको 2 एप्पल्स और दे दिए लंच बॉक्स में, तो आपके लंच बॉक्स में टोटल एप्पल कितने हो गए, 8 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 9, then 10। सब आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आंसर इज 10। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वर्क, दिस एक्सरसाइज जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे हमने दी है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।